हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब मस्त ही होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं द्वारपुरा, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आज एक मेरा फ्रेंड भी है मेरे साथ, देख सकते हो आप। तो गाइस अभी हम चलेंगे, यहाँ पर एक चावल भी बहुत मस्त मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी चलते हैं, आज तो हमारी साइकिल लेके आएंगे, तो चलो चलते हैं अभी मंदिर पे। तो गाइस हमारा मंदिर बहुत हमारे एकदम नजदीक है, जस्ट वन सेकेंड आ गया है मंदिर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस मंदिर है हमारा, ये मंदिर पहले ऐसा था, अब है ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था ये मंदिर, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे। मंदिर बनाने के लिए से थोड़ा गया था, टूटता भी नहीं था ये मंदिर। तो फिर लोगों ने क्या किया कि माता जी से प्रार्थना की कि हमको नया मंदिर बनाना है आपका, तो हमको मंदिर तोड़ने दो। तो फिर ये मंदिर टूटा, ऐसा टूट भी नहीं रहा था मंदिर, और फिर नया मंदिर ये बनाया। ये है हमारे दत्त भगवान। तो ये दत्त भगवान की स्टोरी ऐसी है, तो यहाँ पर गुरुवार को जब होता है गुरुवार, तो यहाँ पर सब लोग दर्शन के लिए आते हैं, स्पेशली दत्त भगवान के, और यहाँ बैठकर दत्त बावनी करते हैं। उसकी किताब भी यहाँ पर देख सकते हो आप, ऐसी किताब है, अभी तो बहुत पुरानी है, इसमें लिखी हुई है ये देखो। तो यहाँ पर जब डोंगरे जी महाराज थे, तो उन्होंने पहली कथा यहाँ पर की थी भगवान। तो गाइस डोंगरे महाराज जो थे, उन्होंने पहली कथा यहाँ से इस स्थान से ही की थी, शुरुआत की थी कथा की। तो ये दत्त भगवान है, यहाँ पर सारी मनोकामना हमारी पूरी होती है, पर दिल से करनी होती है। तो मैं आओ मैं उसका आपको पेड़ दिखाता हूँ जो दत्त भगवान है। तो दोस्तों ये जो बड़ा सा पेड़ है वो दत्त भगवान का है। दत्त भगवान मैंने आपको जो भगवान बताए उनकी स्टोरी की कहीं में तुमको, वो भगवान का ये पेड़ है। ये भगवान इसमें जो दत्त भगवान होते हैं इसमें साक्षात होते हैं, इसका रूप होता है, इस व्यक्ति सब पूजा करते हैं, फिर रहते हैं, सब करते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर उन्नीस सौ 1995 साल से बना है, सत्तर ऐसा कुछ मंदिर है, बाहर से बहुत मस्त लग रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ के पुजारी है, ये आपको यहाँ पे ही मिलेंगे आप जब भी आओ। यहाँ के पुजारी है, ये इस मंदिर की देखरेख भी बाई करते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं आगे।
लग चुके हैं, तो चलो अभी चलते हैं हनुमान जी के मंदिर। सो गाइज आप सब लोग देख ही सकते हो हम यहाँ जरा पूरा पहुँचने वाले हो, ये रहे हमारे पार्थ लक्ष। तो गाइज अभी हम जरा पूरा पहुँच गए, जस्ट अभी आपको मंदिर नहीं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई चीज़ हमने बहुत साइकिल पड़े, हम बहुत ही थक गए हैं, ये बहुत दूर दूर है पर मज़ा आ रहा है। ये देखो इसका गेट है, इस मंदिर का गेट है ये। हनुमान जी हमारा फेवरेट, और इनको हम अंजनी पुत्र भी बुलाते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ सब बधाई भी लेते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। और ये और देखो महादेव का मंदिर, हमारे महादेव का मंदिर है ये देख सकते हो आप, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पार्वती माँ है, यहाँ पर दुर्गा माँ है, और यहाँ पर हमारे फिर से प्यारे गणपति बप्पा है। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं वापस से। अंजनी पुत्रा हनुमान जी, और ये हमारे सबसे प्यारे गणपति बाप्पा। तो भाई हमने ये मंदिर दिखाया, तो आपने शायद देख ही लिया होगा। तो चलो तो भाई यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हनुमान जी दादा है उनका चित्र है आप देख सकते हो, हमारे प्यारे रामायण में भी इनमें से बहुत चित्र का उल्लेख किया गया है। आप देख ही सकते हैं ये रहे हमारे पार्वती माता जी, आप भी कभी यहाँ आ सकते हो। हम इसकी सारी लिंक हम लोकेशन कमेंट में हम डाल देंगे, और वीडियो में जो आपको जो लिखा होता है उसके ऊपर भी हम सब्सक्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे इंडिया टू का यार गाइस, तो ये जो है शायद दिल्ली से नहीं कुमारी तक है, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये रोड है, नेशनल हाईवे देख सकते हो आप, इंटरनेशनल हाईवे है, बहुत मस्त है। तो पर अभी मैं आपको नीचे जाके ये हाईवे दिखाता हूँ, चलो अभी हम नीचे चलते हैं गाइस। यहाँ से साइकिल फुल स्पीड में नीचे जाने वाली है, बहुत फुल स्पीड है गाइस, ये देखो अभी अरे बहुत थक गई है, खतरनाक है।
ये ब्रिज तो बहुत खतरनाक है, कितना अच्छा दिखता है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये साइकिल लेके हम कैसा है वो हमको ही पता है। तो गाइस आगे कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आगे उनका उतरने का है। तो चलो तो चलो गाइस, तो मैं अभी आपको नीचे जाके ही पूरा दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको यहाँ से बोला था ऊपर से कि हम इधर जाने वाले हैं नीचे, तो अभी हम नीचे आ गए हैं। तो देख सकते हो आप, रोड है पूरा जो बहुत मस्त है, यहाँ पर वीडियो की शूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो चलो ये आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।